किसी भी व्यक्ति का गुस्सा होना होता है गेट एंग्री गेट एंग्री और अगर आप मुझसे पूछें कि आप गुस्सा होते हैं डू यू गेट एंग्री अब या तो मैं वही तरीका अपनाऊं जो एक स्मार्ट स्पीकर करता है और वो ये बोले आई ट्राई नॉट टू गेट एंग्री बट समाइम्स आई कींट हेल्प इट आई ट्राई नॉट टू गेट एंग्री प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली आई डो नॉट ट्राई टू गेट एंग्री इज़ रॉन्ग आई डू नॉट ट्राई टू गेट एंग्री मैं कोशिश ही नहीं करता बट आई वॉन्ट टू टेल पीपल मैं कोशिश करता हूँ आई ट्राई नॉट टू गेट एंग्री कि मैं गुस्सा ना हूँ बट समाइम्स आई कैंट हेल्प इट बट समटाइम्स आई कैंट हेल्प इट तो ये जो समटाइम्स है जहाँ पर आप असमर्थ हैं उस समटाइम्स को बताने के लिए हम लोग हमेशा एक वर्ड यूज़ करते हैं अनलेस अनलेस कंडीशनल क्लासेस का एक पार्ट होता है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अनलेस का सेंस ही यही होता है कि आप तब तक कुछ काम नहीं करते जब तक ऐसा ना हो जाए मैं तब तक किसी की पार्टी में नहीं जाता जब तक कोई मुझे इनवाइट ना करे मैं तब तक सुबह जल्दी नहीं उठता जब तक कोई मजबूरी ना हो मैं तब तक किसी से बात नहीं करता जब तक कोई इंपॉर्टेंट बात ना हो अब ये तब तक जब तक क्या है ये तब तक जब तक है अनलेस अनलेस और ये कंडीशन क्लास का पार्ट है इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत ज़्यादा सेंटेंसेज में यूज़ होता है आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि आप जब लोगों से बातचीत करें वन यू टॉक टू पीपल यू शुड यूज़ दीज वर्ड्स जैसे किसी व्यक्ति का गुस्सा होना गेट एंग्री किसी ने मुझसे पूछा टू यू गेट एंग्री मैं कभी गुस्सा नहीं होता आई नेवर गेट एंग्री पर ऐसा तो नहीं है कि कभी ही गुस्सा नहीं होता कुछ सब सर्टन पॉइंट्स तो होंगे जहाँ पर मैं गुस्सा होता हूँ कुछ ऐसी बात तो होगी जहाँ पर मैं गुस्सा होता हूँ तो वो बात बताने के लिए आप हमेशा यूज़ करते हैं अनलेस आई नेवर गेट एंग्री अनलिस समबड़ी स्पीक्स हिंदी इन माई क्लास रूम्स तो जब भी मेरी क्लासेस लगती हैं वहाँ पर अगर कोई हिंदी में बोलता है इफ समबड़ी टॉक्स इन हिंदी बिकॉज माई क्लासेज आर रिलेटेड टू इंग्लिश सो अगर वहाँ पर हिंदी में कोई बात करेगा आई गेट एंग्री सेंस यही है मैं तब तक गुस्सा नहीं होता जब तक कोई हिंदी ना बोले तो ये तब तक जब तक बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अनलेस पार्टी में जाना अटेंड द पार्टी

अब या तो वही स्मार्ट तरीका अपनाइए आई ट्राई नॉट टू चीट अदर्स बट एट टाइम्स आई कीन्ट हेल्प इट तो एट टाइम्स वो जगह बताने के लिए जहाँ पर आप चीट करते हैं उसके लिए हम हम, हम लोग अनलेस यूज़ करते हैं अनलेस ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अनलेस के बाद बोले जाने वाले सेंटेंस में आप गलती से भी कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं यूज़ करेंगे यानी आई डू नॉट आई नेवर इस तरह के सेंटेंसेस आप अनलेस के बाद यूज़ नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति का धोखा देना चीट इफ समी आस्क मी क्या आप दूसरों को धोखा देते हैं डू यू चीट अदर्स आई नेवर चीट अदर्स अनलेस समबड़ी चीट्स मी अगर कोई मुझे धोखा देता है तब आई डू नॉट कंट्रोल माई सेल्फ देन आई चीट अदर्स सो आई नेवर चीट अदर्स अनलेस समबड़ी चीट्स मी आई नेवर हर्ट अदर्स अनलेस समबड़ी हर्ट्स मी आई नेवर टेल लाइज टू एनी वन अनबडी लाइ टू मी सो so, आप इस तरीके से लोगों को यूज़ कर सकते हैं जैसे सुबह किसी भी व्यक्ति का सुबह जल्दी उठना गेट अप अर्ली मैं सुबह कभी नहीं उठता जल्दी आई डू नॉट गेट अप अर्ली अनलेस इट्स माई कंपल्शन सो अगर कभी मजबूरी होती है तो ही मैं यूज मैं सुबह जल्दी उठता हूँ अदरवाइज़ आई डू नॉट गेट अप अर्ली अनलेस का सेंस इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आप लोगों को भी यूज़ करना है इसकी प्रैक्टिस करनी है कुछ सेंटेंसेज मैंने आपको बताए कुछ सेंटेंसेज कुछ वर्ड्स कुछ वर्ब्स कुछ एक्शंस आप अपने तरफ़ से यूज़ कीजिए सो दैट यू कैन स्पीक अनलेस इफ़ेक्टिवली एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है ग्रामर इस चीज़ को अवॉइड करती है कि अनलेस के साथ अनटिल लगाया जाए अनटिल समय की सीमा को बताता है अनलेस जब कोई कंडीशन होती है तभी आप काम करते हैं तब अनलेस यूज़ किया जाता है तो मैंने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है अनलेस एंड अनटिल ट्राई स्टॉप से दैट इफ़ यू स्पीक इट ट्राई स्टॉप सेंग दैट इफ़ यू स्पीक इट आई नेवर अटेंड द पार्टीज़ अनलेस एंड अनटिल आई एम इन्वाइट इट इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग इट्स ऑलवेज बेटर टू से आई नेवर अटेंड द parties unless अनलेस आई एम You यू डू नॉट नीड टू यूज here. Until is इज अ डिफरेंट वर्ड उसको आप डिफरेंट सेंटेंसेज में यूज़ कीजिए जब समय के लिए बताएं तब अनटिल यूज़ कीजिए कुछ लोगों ने शायद इसलिए यूज़ किया होगा क्योंकि कंडीशन भी है और समय भी है समय की सीमा भी बताना चाहते हैं हो सकता है तब उन्होंने इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर बोला हो अनलेस एंड अनटिल पर आप लोगों को ये स्पेशली ध्यान रखना है कि अनलेस एंड अनटिल को दोनों को मिलाकर नहीं बोलना है आप लोग अनलेस ही यूज़ करें या अनटिल यूज़ करें इट डिपेंड्स ऑन यू वेन एव यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट द टाइम लिमिटेशन देन यू शुड यूज अनटिल एंड वैन यू टॉक अबाउट एनी कंडीशन देन यू शुड यूज अनलेस तब आप अनलेस का यूज़ करें अदरवाइज़ आप नहीं करें इससे रिलेटेड कुछ और डिफरेंट सेंटेंसेज आप अपने आप बनाकर देखिए कुछ वर्ड्स को आप यूज़ कीजिए जिस तरीके से मैंने आपको यू कुछ वर्ड्स बताए कुछ वर्ड्स आप अपनी तरफ से यूज़ कीजिएगा सो दैट यू कैन स्पीक अनलेस In a proper way, you can understand the word in a proper way, and you can be fluent.